जा रहे हैं दोस्तों पाकिस्तानी स्टाइल में गोश्त दाल बनाने। 200 ग्राम दाल है, चना दाल, और 1 लीटर पानी है दोस्तों। और इसी में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अब इसको गैस पे रख देंगे। देखिए 3 पाव चिकन है और इसको नींबू से अच्छे से धोइएगा दोस्तों। क्या होता है, नींबू से एकदम कचरा निकल जाता है, इसका बिसाइना भी निकल जाता है, एकदम साफ सुथरा हो जाता है। देखिए हमारा चिकन अच्छे से धुला गया है, तड़का लगाने के लिए तैयार कर लिया है। 2 बड़ा प्याज है, 3 तेज पत्ता है, टेस्पून जीरा है, 2 छोटा इलायची, 2 बड़ा इलायची और छोटा इंच का ये दालचीनी है। और ये देखिए ये धनिया पाउडर है 2 चम्मच, और ये लाल मिर्ची है 1 चम्मच, ये कश्मीरी पाउडर है आधा चम्मच, ये आधा चम्मच हल्दी है, और आधा चम्मच ये जीरा पाउडर है, और ये 1 चम्मच ये गरम मसाला है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिए है, चल रहे हैं इसको दोस्तों मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम रहे आपके पास तो कम से कम इसको आधा घंटा रख देना, हमारे पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि फलों के पापा आ जाते हैं फटाक से, उनको चाहते हैं खाना पानी जल्दी से दो लेके चले जाते हैं, तो इसके लिए हम झटपट बना रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक डालने हैं दोस्तों, और कम से कम इसको 10 मिनट रखे हैं, कितना भी जल्दी बनाएंगे हम, ऐसे आधा घंटा आप लोग रखना है इसको मिक्स करके। देखिए हमारा दाल बन चुका है, देखिए अच्छे से गल गया है एकदम, देख लीजिए मस्त गला हुआ है। देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है दोस्तों, अब एकदम हम झटपट वाले बना रहे हैं। 2 बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें तेल। देखिए अच्छे से हमारा चिकन मिक्स हो चुका है। देखिए दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसी में जीरा और दालचीनी और छोटा बड़ा इलायची सब साथ में डाल रहे हैं, ये अच्छे से चटकने लगेगा, तो इसमें प्याज और तेज़पत्ता डालेंगे। देखिए हमारा अच्छे से चटकने लगा, इसमें तेज़पत्ता और प्याज डाल देंगे फ्राई करने के लिए। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। देखिए हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसी में डाल देंगे चिकन, एकदम झटपट वाला बना रहे हैं दोस्तों। अब इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए हमारा चिकन अच्छे से भुनाई हो चुका है, इसको झटपट बनाने के लिए दोस्तों कुकर में डालेंगे। देखिए कुकर में डाल देंगे और इसको तुरंत गला देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों तड़का लगाने के लिए ये 4 हरा मिर्ची है और 4 सूखा वाला है और आधी नींबू है, ऊपर से डालेंगे, और ये बड़ा 1 प्याज है, और देखिए 1 धनिया पत्ती है थोड़ा सा। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब चल रहे इसी में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे तड़का लगाने के लिए। देखिए हमारा चिकन 2 सीटी मार दिए, तैयार हो चुका है। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसी में जो जो दिखाए हैं सब साथ में डाल दे रहे हैं। अब अच्छे से इसको तड़का लगाना है, देखिए कितने अच्छे से तड़का का बुनाई हो रहा है। देखिए दोस्तों हमारा तड़का अच्छे से हो चुका है, देखिए हमारा चिकन भी हो चुका है, थोड़ा सा इसमें गैस है, उसको गैस को निकाल लेंगे। देखिए हमारा चिकन हो चुका है, कितना टेस्टी, कितना यम्मी बन के तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों एकदम मस्त बना हुआ है। हांडी में जो दाल तैयार किए हैं दोस्तों, और इसी में इसको डाल देंगे। देखिए और इसी में डाल के अब इसको तड़का भी डालना है इसी के साथ। अब ये जो तड़का है हमारा बनके तैयार हुआ, इसी में डाल देंगे। और देखिए दोस्तों हमारा गोश्त दाल बनके इतना यम्मी टेस्टी तैयार हुआ है कि पूछो मत, ये एकदम झटपट है दोस्तों, 1 घंटा के अंदर सब कुछ तैयार किए हैं। इसमें देखिए 1/2 चम्मच जो नींबू लिए थे दोस्तों इसको डाल देंगे, और ये जो धनिया पत्ती लिए थे इसको भी डाल देंगे। देखिए हमारा बनके दाल गोश्त तैयार हो गया। देखिए दोस्तों हमारा गोश्त दाल बनके तैयार हो चुका है, और इसी के साथ चावल भी सॉफ किए हैं दोस्तों। और देखिए प्याज का सलाद है, और इधर पापड़ है दोस्तों, और देखिए हम झटपट बनाए हैं फलों के पापा के लिए। आप लोग अगर आराम से बनाएंगे तो अच्छा है, हम कुकर का आज इस्तेमाल किए हैं, हमको जल्दी जल्दी इसके लिए दोस्तों करना पड़ता है ना। उनका मोबाइल का घंटी जो है ना टन टन हमेशा बजता ही रहता है। और हंडी का किसी दिन रेसिपी डालेंगे दोस्तों, तो ये कुकर का झटपट वाला है।